बड़ी लालसा लगी थी <crisis> हाँ। आपके दर्शन तो के लिए आपके चालीस साल के बाद में आपके दर्शन करके काशी बाबा विश्वनाथ

चाहे योग से देखो तो चित्तवृत्ति निरोध करके परमात्मा स्वरूप में स्थित करना है परम ज्ञान से स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का चिंतन त्यागना है भक्ति से अपने अहम अंतकरण इन सब में नाम भर देना है सच्चिदानंद भगवान का नाम भर दो सब ठीक हो जाएगा सब चूट जाएगा सब खत्म हो जाएगा अविद्या मल नष्ट हो जाएगा चेतो दर्पण मार्जनम रूपी दर्पण का मार्जन हो जाता है ये रूपी जो अग्नि जल रही है इसके लिए वर्षा है नाम ये समुद्र है ज्ञान का आप जब करके तो देखो जिनको राम राम भी कहना नहीं आता था मरा मरा कहे तो भगवान के अवतार के पहले ही भगवान की सब लीला ज्ञान समुद्र बन गए अब भी आपको संसय के नाम से पंचकोशों का बाद हो जाएगा अरे पूरे भव समुद्र नाम लेत भव सिंध सुखाही करो विचार सुजन मनमाही अरे नाम को आपने क्या समझा है सुमिर पवन शुद्ध पावन नामू अपने बस कराखे रामू सब साधना का सार यही है भगवान शिव से बड़ा कोई योगी नहीं है जो हर समय नाम जप करते रहते हैं और भगवान के चरित्र सुनते रहते चरणामृत सर पर गंगा जी धारण किए हुए हैं सनकाद्य से बढ़कर कोई योगी नहीं है जो हरिश् शरणम हरिश् शरणम प्रसिद्ध है हर समय जपते रहे नारद जी से बढ़कर कोई योगी नहीं नारायण 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 कौन योगी की बात करोगे आप इनसे बढ़कर और कौन योगी है जो वही योगी है जो अपने चित्त को नाम में नाम में रूप में स्वरूप में लीला में उसी के जोड़ा जाता है हमारा स्वरूप भी भगवत स्वरूप है ज्ञान मार्ग से हम चलते हैं तो हम स्वरूप में जब अपने स्थित हो जाते हैं तो हम मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं अर्थात बंधन मुक्त हो जाते हैं अर्थात हम परमात्म स्वरूप हो जाते हैं अर्थात ब्रह्मविद ब्रह्म तो भक्ति से क्या होता है भक्ति से मय का विस्मरण हो गया परमात्मा चिंतन में तन्मय हो गया ब्रह्म नहीं माया नहीं नहीं जीव नहीं काल अपनी उस दिना रही एक रहे हो नंदलाल और ज्ञान में क्या हुआ सब कुछ विस्मरण करके एक आत्म स्वरूप में स्थित हो गया खत्म हो गया खेल भैया संसार का चिंतन त्यागना है चाहे योग मार्ग से हो चाहे सांख्य मार्ग से हो चाहे भक्ति मार्ग से हो चाहे कर्म योग से हो किसी भी मार्ग से हो तेम सतत ददाम बुद्धि योग तम ये ते भगवान जी क्या कह रहे हैं इसमें जो सतत मेरा चिंतन करता है तो मैं उसकी बुद्धि में योग प्रदान कर देता हूं हमारी अभी बुद्धि जो है वो त्रिगुण के योग में है फिर त्रिगुणातीत भगवत योग में हो जाती खत्म हो गया मै ये वन आदत्सो मई बुद्धिम निवेश तो निवेश मई ये वतूर्धम न संशया तो, तो जब हम राधा 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 राधा, राधा कृष्ण कृष्ण क्रिष्न, राम कृष्ण हरि तो संसार का चिंतन छूटा ना बस बात बन गई आप जब चले जाओ देखो कैसा ज्ञान प्राप्त होता है कौन सा ज्ञान अधूरा है जो नाम जापक में पूरा नहीं होता कौन सा कैसा ज्ञान है कि जो नाम जापक को नहीं होता चाहे जिस मार्ग से आप आओ आना तो वही है घाट कोई लेकिन स्नान तो उसी दरिया में करना है चाहे आप ज्ञान घाट से आओ चाहे आप योग घाट से आओ चाहे आप भक्ति घाट से आओ जिसे ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं योगी परमात्मा कहते हैं भक्त भगवान कहते हैं प्रेमी लाड़ीले लाल कहते हैं वही तो है दूसरा कोई है क्या एक के सिवा कोई दूसरा है क्या तो बस इन पंचकोशों का कोई महत्व थोड़ी इनको तो बाध करना है तो नाम जब करते हुए जब सब कुछ विस्मरण हो जाता है तो पंच कोशों का अभी तो स्वाद नहीं आया ना नशा नहीं आया नाम आज यही कलयुग का मलिन भाव है कि साधारण क्रियाओं में तो विश्वास हो जाएगा लेकिन नाम में विश्वास नहीं हो इसलिए आध्यात्मिक उन्नति नहीं है और हर समय तुम नाम जब करो वादा करते हैं कोई स्थिति बकाया रह जाए तो मुझे बताना कुंडलनी जागृत हो जाएगी जो योग से जागृत होती षट चक्रों का भेदन हो जाएगा ब्रह्मबोध हो जाएगा तत्वबोध प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी सब कुछ हो जाएगा नाम जब के तो देखो देखो संन्यास मार्ग निराकार की उपासना है लेकिन नारायण 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 ओम नमो नारायण तो नारायण 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 तुम भी नारायण ही हो नारायण 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 जब क्या हो रहा है नमो नारायण नमो नारायण हे नारायण मैं आपको नमस्कार करता हूं और फिर प्रणव जब तो प्रणव क्या है नारायण ही तो है हरि ही तो प्रणव है प्रणव ही हरि है बिना जप के बिना नाम जप के कहीं भी किसी भी मार्ग में उन्नति नहीं है चाहे जो कर लिये स्थिति नाम जब से ही आएगी अच्छा आप अपने लोग क्या है कि पढ़ी लिखी और अनुभूति दोनों बातें कह रहे हैं कि बचपन से लेकर अभी तक हर बात को देखते चले आ रहे हैं ऐसा नहीं कि अपने लोग शास्त्रीय पद्धति से अनुष्ठान नहीं किए साधना नहीं किए नहीं बचपन में ही नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में गायत्री पुरुषचरण अनुष्ठान 108 सौ आठ कुशा का मुठ्ठा यहाँ भी पवित्री यहाँ भी पवित्री मूंज की मेखला ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था तो फिर गायत्री अनुष्ठान फिर महावाक्य फिर संन्यास मतलब कहते ना कि सब पापड़ वेल करके तब हम ऐसे नहीं बोल रहे कि, ही। सत्संग में, देते हैं, कोरी अंद विश्वास या में रादा, रादा जी मेरे जो गुरु है सदगुरु गोंदोलेकर महाराज महाराष्ट्र से बिल्कुल एक नाम रूप थे अवतार थे सौ साल हो गए उन्होंने देह का त्याग किया वाक्य था गुरु वचन था कि नाम में समस्त योगों की अंतर्भूतता है नाम हाँ। समस्त योगों को अंतर्भूत करता है हाँ। तो ये वाक्य हमें थोड़ा समझने में कठिनाई हो रही थी इसलिए प्रश्न आपके सामने हाँ। रखा कि नाम में योग कैसे आ जाता है सब योग बा, हमारी बात समझो पहले इतना विश्वास करो कि नाम रूप लीला धाम चारो सच्चिदानंद में है मानते हो ना धाम सच्चिदानंद में है रूप सच्चिदानंद में है भगवान की लीला सच्चिदानंद में और भगवान सच्चिदानंद में तो लीला में जोड़ो या रूप में जोड़ो तो बहुत कठिन है जोड़ ही नहीं पाओगे तो सबसे सरल पड़ता है नाम क्योंकि हम जैसे मानो राम तो हम सामने राम नाम लिखकर चिंतन कर सकते हैं भाव में राम 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 तो राम नाम क्या है सच्चिदानंद में राधा नाम क्या है सच्चिदानंद तो हमारा चिंतन सच्चिदानंद का होगा अब कौन सा योग बकाया रह जाएगा क्योंकि सच्चिदानंद संपूर्ण योग का स्वरूप है जो योग चाहोगे ऐसी स्थिति आती है कि दिन है कि रात है कि मैं कौन हूं मैं कहा हूं कुछ स्मृति नहीं जीते जी मृत स्थिति जीते जी मृत स्थिति शून्य स्थिति नाम की कृपा से अब वो कैसे शब्दों में तो दम नहीं है कि उनको हम निकाल करके बता सके क्या चाहिए नाम से हम इसीलिए खुली बात कह रहे जो चाहिए वो सब कुछ नाम से मिल जाएगा अच्छा तत्वबोध ऐसे दिखाई देता है शरीर जैसे तुम्हारा अलग दिखाई देता है ऐसे हमको हमारा शरीर अलग दिखाई देता अच्छा अलौकिक ढंग से देखो कुछ यहां किसी को कुछ नहीं कि ऐसे ले या कुछ कुछ नहीं और लाखों का परिवर्तन हो रहा है किससे हो रहा है केवल नाम ये कोई झांसा नहीं है ये कोई ड्रामा नहीं कोई नाटकबाजी नहीं कभी किसी से नहीं कहते जा तुम्हारा तो कल्याण हो जाएगा जा आशीर्वाद कभी नहीं शब्द निकलेगा आशीर्वाद मांगो तो डांट और मिल जाएगी नाम जब करो क्या आशीर्वाद मांग यह आ रहे हो नाम जब करो दूसरों को आशीर्वाद देने की सामर्थ्य में खुद आ जाएगी नाम जब करो ऐसे बातें होती है अगर कोई कुछ लेके भी आता है ना मान लो संत हो या कोई भगवत पार्षद है तो बात अलग है अगर ऐसे जनरल में कोई लेके आवे ना तो दोबारा वहीं गेट ऐसे निकल दोबारा यहाँ लेके नहीं आएगा ऐसी डांट लगेगी ऐसा नहीं तो हमारा उद्देश्य जो सफल हो रहा है कि जगत मंगल हो वो किसके बल से हो रहा है नाम के बल से ही तो हो रहा है आज जो हम तुम्हारे सामने गरज रहे नाम के बल से ही तो गरज रहे आज तुम जो हमारे सामने बैठे हो नाम के बल से ही तो खिंच के आए हो तो कौन सा योग ऐसा है जो नाम से पूर्ण नहीं हो सकता हम तो आप सच्ची मान लो जो नाम जप नहीं कह रहा बाहर कुछ भी हो कुछ भी विश्राम अंदर नहीं है और कुछ बार से ना करो ओ, अंदर से रामकृष्ण विश्राम <laughs> मिल जाएगा परम विश्राम मिल जाएगा आप विश्वास कर लो परम विश्राम मिल जाएगा आपके दर्शन से आपके संवाद से इतनी नाम में पुष्टि आती है नाम में बहुत पुष्टि आती है हमें साधना को बहुत शक्ति आती है आपके दर्शन से आपके वचनों से बस हमारा जीवन नाम है इस समय नाम प्रारंभ नाम मध्य नाम और अंत नाम हमारा जीवन नाम हमारे हर प्रश्न का उत्तर नाम है कोई भी प्रश्न कर लो उसका उत्तर देंगे और परिणाम में केवल नाम होगा नाम भी होगा राधा 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 और ये बिल्कुल डंके की चोट में कहते हैं कि इस लोक और परलोक को दोनों को अधीन करने के सामर्थ्य नाम में है भगवान को अधीन करने की है और तो योग तो उनके लिए किया जाता है सुमिर पवन पावन नामू अपने बस करी राखे रामू बक्का नाम 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 कुछ दूसरा नहीं मानना केवल पैर तोड़ने का नाम आसन नहीं कि पद्मासन सिद्धासन लगा के योग करे इसका नाम केवल योग नहीं वृत्ति कहाँ है अगर मान प्रतिष्ठा कहीं भी चित्तवृत्ति तो संसार में तो है ना तो बस हमें प्रभु को प्राप्त करना है तो चित्त वृत्ति प्रभु में लगानी है देखो सुख आदि से बढ़कर कोई योगी नहीं है सुखदेव आदि से बढ़ और वो गोपियों के चरित्र गान कर रहे हैं तो गोपी महायोगी हुई ना तो महायोगी क्या कर रहे हैं मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति एक एक वृत्ति श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित है तो बड़े बड़े योगियों ने जनों को नमस्कार किया बात समझना है अगर नाम जप नहीं श्री परम पावन पूज्य श्री तुकार जी में कौन सा योग नहीं था आप हमें उत्तर दो कौन सा योग नहीं था ज्ञान योग नहीं था कि भक्ति योग नहीं था कि अष्टांग योग नहीं था आप बताओ हर समय करताल बज रही विट्टल विट्टल, विट्टल, सारे योग उनमें थे क्योंकि सब योगों के गुरु हैं श्री कृष्ण और वो जिसके हृदय में बैठ गए तो कौन सा योग और चमत्कार पे चमत्कार था सिद्धियों पे सिद्धियां चरणों में लौट रही थी एक बार वीर शिवाजी दर्शन करने आए श्री तुकार जी के और तो वो बहुत सावधानी से आए थे अपने दो पार्षद बाहर खड़े कर दिए और अकेले ऐसे साधारण वेश में क्योंकि संतों के पास मर्यादा है राजसी वैभव के साथ नहीं जाना चाहिए वहां बहुत दैन्य जाना चाहिए इतने में मुगलों को पता चला कि शिवाजी तुकार जी के दर्शन करने गए तो बंदी बनाए जा सकते हैं क्योंकि उस समय कोई सैनिक नहीं और कोई बलविक्रम नहीं और वो लोग तो ये गुप्तचर आके बताया जो दो अंगरक्षक बाहर खड़े थे कि महाराज शिवाजी का प्राण संकट है तो उनका वो तो कीर्तन में बैठे हैं तुकाराम जी के सामने तो वही वो वो अकेले बैठे थे उस समय ऐसा कुछ संयोग बना तो का कान में बता दू जाके तो कान में बताया कि मुगलों की सेना आक्रमण करने वाली जल्दी निकल चलो तो तुकार जी से बताना नहीं पड़ा वो ऐसे बो, बोले बैठे रहो तुकार तो वो जानते थे सिद्ध संत हैं, तो वो बैठे रहे मुगल सैनिक आए वो अंगरक्षक तो साइड में हो गए कोई नहीं मंदिर में केवल तुकाराम जी कीर्तन कर रहे हैं कोई नहीं मिलेक्ष सैनिक घुसे पूरा ढूंढा कहीं कोई नहीं उन उनका गलत सूचना नहीं आ तो केवल तुकार जी कीर्तन कर रहे हैं उनको विक्षेप नहीं पड़ा वापस चले गए सामने शिवाजी बैठे थे दिखाई नहीं दी <laughs> कौन सी सिद्धि नहीं थी जो तुक, तुकार जी के पास नहीं थी अरे जहां चरण रख देते वहां की भूमि बोलती थी बिठल 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 आप सोचो भूमि बोलती थी विठल 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 तो इसलिए हम कह रहे हैं, नाम में सब योग विराजवाल है तुम चिंता मत करो अन्न कोश विज्ञान में कोश मनो में कोश प्राण में जितने भी आनंद में को ये सब बाधित हो जाए क्योंकि ये कोश है वो स्रोत है जो इस स्रोत खुला तो ये आनंद गड्ढे को कौन देखेगा ये आनंद में कोष गड्ढा है और वो स्रोत है आनंद का स्रोत है उफान है आनंद की नाम के द्वारा रूप का प्रकाश और रूप रस की मादकता में मस्त रहते हैं उपासक जल मस्त रहते हैं इसलिए नाम जब करो कभी अविश्वास मत करो सारे योग इसमें विराजमान है ये मतलब अनुभूति की बात कह रहा हूँ को कोई ऐसा कोई भावुकता में नहीं होती तो भाई सुन लिया नाम जब करो तो हम भी कह रहे हैं नाम जब करो ऐसा नहीं खा पी के बोल रहे हैं <laughs> 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 नहीं होता एक कि, कि हलवा बनाने की प्रक्रिया पढ़ ली अब उसके बाद बोल दिया कि हलवा बनाने की ये प्रक्रिया नहीं हलवा बना के खा के फिर उसके बाद बात करें तो नाम की महिमा ऐसे नहीं गाल कर रहे खा पी के बात कर रहे हैं शिया राठी जी जोधपुर से राधे राधे महाराज जी आपके चरणों में कोटी कोटी प्रणाम महाराज जी भगवत प्राप्ति के लिए क्या मार्ग की चिंता अधिक करनी चाहिए या मंजिल की चिंता अधिक करनी चाहिए मंजिल करनी चाहिए? किसे कहते हैं मार्ग किसे कहते हैं आपने क्या समझा है मंजिल तो हो गई जो भगवत प्राप्ति है और मार्ग है भगवत प्राप्ति मंजिल क्या भगवत प्राप्ति क्या लाडली जी के बस लाडली जी का हो जाना लाडली जी का हो जाना अच्छा मार्ग क्या है मार्ग है राधा नाम राधा वल्लभ जी की अर्चना पूजा खास बात पहले बोली गई नाम नाम स्मरण अर्चना पूजा बंधना ये तो पीछे की बात है नाम सतत स्मरण करना और मैं जू की हूं दोनों एक ही मार्ग की दो पहलू कहने में आए मैं जू की हूं और जू का निरंतर नाम जप करना दोनों आवश्यक हैं ये भूल गई कि मैं किन की हूं तो फंस जाएंगी कहीं ना कहीं किसी को अपना मान लेंगी और जिनकी हम हैं उनको अगर हम सुमिरन न करें तो माना नहीं जाएगा कि आप उनकी हो क्योंकि जिनके हुआ जाता है उसी का सुमिरन होता है तो इसलिए दोनों बातें आवश्यक है, है ठीक है नाम जब करना और मैं जू की हूं ये अंदर रखना ये हृदय में बैठा ले रखना हमारे माई श्यामा जू को राज तो इसलिए हम श्यामा जू का निरंतर नाम जप करें दोनों बातें अत्यंत आवश्यक हैं जैसे दो पंख से ही पंछी आकाश में उड़ता है ऐसे ही एक है संबंध कि मैं श्यामा जू की हूँ और दूसरा है चिंतन तो दोनों से ही हमारी भक्ति पुष्ट होती है संबंध और चिंतन तो जिससे संबंध है तो अन्य संबंध ना होने पाए और जिससे संबंध है उसी का चिंतन होने पाए। उसी से अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सहा तस्ह पार्थ मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूँ जो मेरा अनन्य चिंतन करता है तो राधा 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 और मैं लाडली जुकी हूँ ऐसा भाव चंद्रकांत मिश्रा जी राधा वल्लभ श्री कह राधा वल्लभ शेरवंश महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी आप कहते हैं बारी मथे ग्रथ हो बरु सिकता ते बिनु हरि भजन न भव तरीपेल महाराज जी इन चौपाई का अर्थ क्या है महाराज अच्छा अर्थ रामेश्वर दर्शन करें बिनु प्रयास भव सागर तरह सुनो हम पहले इसमें बारी मथे ग्रत बर। मतलब, हो मतलब असंभव है पानी के मथने से कहीं घी पैदा हो जाए असंभव है पर ऐसा कभी संभव हो जाए तो भी बालू के पेरने से तेल निकल जाए असंभव है पर ऐसा भले हो जाए पर बिना भगवान का भजन किए कोई संसार से तर नहीं सकता गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ऐसा हो येद असंभव है कि पानी के मथने से घी निकल जाए बालू के पेरने से तेल निकल जाए बोले ऐसा संभव भले संभव हो जाए लेकिन बिना भगवान का भजन किए हरि भजन किए कोई संसार समुद्र से पार नहीं हो सकता बारी मथे घृत हो बरु सिकता ते बरु तेल बिनु हरि भजन न भौतरी या सिद्धांत अपेल विनिश्चितम बदामिते न अन्य वचांश में निश्चित बात मैं कह रहा हूं अन्यथा मत मानना हरि का भजन किए बिना संसार समुद्र से पार नहीं हुआ जा सकता ये बात है तो जो रामेश्वर दर्शन कर आपने कहा नाम को नाम कह दिया नाम से बिना हो ही नहीं सकता आ, तो रामेश्वर के दर्शन कर सकते हो तुम एक बार रामेश्वर के नहीं रामेश्वर के दर्शन कर ही तुम नहीं हम नहीं जो भी कर... नहीं कर ही नहीं सकता बिना नाम के ये क्योंकि वो नेत्र कहा से प्राप्त होंगे नेत्र कहा से प्राप्त एक बार राम के ईश्वर का दर्शन कर लो तो तुम्हारा काम बन जाएगा तो देखने वाले नेत्र तो होने चाहिए ये तो पांच भौतिक नेत्र हैं मायाकृत नेत्र हैं इनसे रामेश्वर के दर्शन कैसे कर सकते हो इसीलिए नाम जब करो तो तुम्हारे प्रेम नेत्र खुलें ज्ञान नेत्र खुलें तब तुम उनके दर्शन कर पाओगे इसीलिए हम कह रहे नाम जब करो नहीं हा आ जाओ बिहारी जी के दर्शन करे और भला हो जाए बिहारी जी के दर्शन एक बार बिहारी जी के दर्शन होने के बाद जित देखूँ तित मई है करके आओ भला हो जाए तो हमें बताना <laughs> <laughs> और हाँ और नाम जब करो बिना दर्शन के दर्शन हो जाएंगे जिस दिन नाम की कृपा छा जाएगी ना तो जिधर देखोगे उधर वही नजर आएगा वही नजर आएगा दूसरा नजर ही। अभी नजरें नहीं है।, है एक बार पी मूर्ति नयन बस तेहरस राय समाये रूप छके घूमत रहे तन को तनिक न भान नारायण दृग जल है यह प्रेम पहचान वो नाम से होता भैया वो कहीं जाने आने से नहीं होता चलो तुम तो विश्व के किसी एक तीर्थ में जाओगे यहां बचपन से तीर्थ में गुजारा किया घर छोड़ के किसी एक दो तीर्थ में थोड़ी गए जीवन ही तीर्थ है मेरा है तब हम तुम्हें तो अनुभव से बोल रहे इसीलिए हम दाड़ के बोलते हैं अभी पीछे के बेच में बोला था कि हम खा के बोल रहे हैं केवल थ्योरिकल पढ़ के नहीं बोल रहे हैं कि हलवा के पढ़ने की बात पूरी पढ़ी और फिर तुम्हें सुना दी ऐसे नहीं हलवा पढ़ा और बनाया और खाया और फिर हम उप सुना रहे हैं तुम्हें। फिर तुम्हें बता रहे हैं नाम की महिमा ऐसे थोड़ी बता रहे तुम रामेश्वर दर्शन की बात कर रहे हो यहाँ कैसे तुम्हें बताएं, जीवन ही वही है तब सार बात पकड़ में आई है राधा राधा राधा, 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 राधा। <laughs> और कुछ समझना चाहते गुरुदेव हमें कोई मित्र नहीं बना रहा था हम सात साल से आपका सत्संग दिक। हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की और क्या जिसको संसार में कहीं कोई मित्र ना बनाता हो हमने आपको बनाया था हाँ। हमने जाना था कि बनाया था।, था। बनाया था नहीं बनाया नहीं मत ले जाओ फर्स्ट इससे होता है कि आपकी कृपा से नाम जप कर रहे हैं मतलब नहीं था शब्द क्या होता है वो इंड बताता है कि था बनाया था अब नहीं है ऐसा नहीं बनाया था बनाया है बनाते रहेंगे ही को मित्र मानेंगे हमारी मित्रता में दूसरे दोस्तों की जरूरत नहीं होती नहीं है और फिर हमारी मित्रता अगर करोगे तो विश्व पर विजय प्राप्त कर लोगे पक्की बात अगर आज्ञा के अनुसार चलोगे मित्र वही है जो कुपंथ निवार्य सुपंथ चलावा हम जो कह रहे हैं वैसे अनुसार चलोगे तो सुख दुख को सहने की सामर्थ्य आ जाएगी काम क्रोध लो मोह मद को पछाड़ने की सामर्थ्य आ जाएगी और एक अद्भुत आनंद रहेगा आप सोचो अपने दोस्त के विषय में सोच जब हम सोचते हैं तो वो जैसे आचरण वाला होता है वैसे हमें आचरण आते हैं हम जैसे अपने मित्र बनाए गोविंद को या गोविंद के किसी नज, निज जन को वैसे ही हमें आचरण आएंगे हम जिसका चिंतन करते हैं वैसे ही प्रभाव आता है जैसे अभी चिंतन करें नींबू है खटाई तो उसका हर प्रकृति की वस्तु के चिंतन का प्रभाव है तो जब हम चिंतन करेंगे प्रेमानंद तो प्रेमानंद में जो है हम गाढ़ चिंतन करने लगे तो हम और प्रेमानंद एक होने लगेंगे और जब प्रेमानंद में एक हो जाएंगे तो लोग कहने लगेंगे कि प्रेमानंद का दोस्त है अपने आप एक भृंगी नाम का कीड़ा होता है वो दूसरी जाति के कीड़े को लाता है और अपने घरोंदे में मिट्टी के बंद करके और डंक मारता है भयवश अपना चिंतन कराता है कुछ समय में वो कीड़ा रंग बदल करके भृंगी बन जाता है सोचो भय से चिंतन कराकर वो उस कीड़े को भृंगी बना देता है तो हम अगर प्यार से भगवान का चिंतन करेंगे या भगवान के भक्तों का चिंतन करेंगे तो हमें भगवान की भक्ति नहीं आ जाएगी हमें भगवान की सामर्थ्य नहीं आ जाएगी हाँ पक्की दोस्ती बस बुरा आचरण मत करना हाँ बस ते हां बस अच्छे आनंद से रहो और नाम जब करते रहो परिवार की सेवा करो माता पिता इनकी सेवा करो और मेहनत से धन कमाओ परिवार की सेवा करो हाँ जैसे हमारा कार्य है समाज सेवा यह हमारी समाज सेवा हो रही ये हमारी क्या होता है हम सबके दिमागों से खेल रहे हैं हमारा जो खेल हो रहा है वो दिमागों से खेल हो रहा है जहां जहां दिमागों में सड़न पड़ रही ना उसको हटा रहे हैं ये समाज से जो अलग अलग सेवा होती है ना ये डॉक्टर होता है शारीरिक अंग को निकालता है तो ऐसे हम होते सड़न वाली बातें जो तुम्हारे दिमाग को सड़ा रही जो तुम्हारे आचरणों को गंदगी प्रदान कर रही क्योंकि आचरण होते हैं दिमाग के सबका मालिक दिमाग है यहां वो जैसा आदेश करता है वैसा तो हम तुम्हारे दिमागों का ऑपरेशन कर रहे हैं तुम्हारे दिमागों से लड़ रहे हैं हम टीचर भी हैं हम डॉक्टर भी हैं नहीं है टीचर भी हैं और डॉक्टर भी हैं तुम्हारे मानसिक दिमाग में जो काम क्रोध लोभ जिसको ये मानसिक दिमाग ठीक करने वाले डिप्रेशन ठीक करने वाले क्या कहते हैं साइकोलॉजिस्ट वो भी नहीं ठीक कर पाएंगे क्योंकि वो भी हमारी हमारी दृष्टि से वो भी बीमार है काम क्रोध लोभ से वो बीमार है ना बिल्कुल बीमार है ना वो निष्कामी तो नहीं जितेंद्री तो ना तो वो जिनको ठीक करते हैं तो दवाइयों के द्वारा हम शुद्ध दिमाग में जो अशुद्धता भरी हुई है उसको दूर करते काम की क्रोध की लोभ की मोह की मद की इनको दूर कर दे तो आप जानते हो क्या हो आप भगवान के अंश हो अर्थात भगवत स्वरूप हो आप स्वयं भगवत स्वरूप हो आपको किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं आप जब अपने को जान जाओगे ना तो एक बार छोटा बच्चा शेर का भेड़ों के बीच में चला गया अब भेड़ों को ही अपना परिवार मानने लगा तो जैसे डंडा मारता भेड़ के वैसे शेर के भी मारता एक दिन एक शेर भेड़ों के खाने के लिए कूदा तो देखा उसमें शेर का बच्चा तो शेर ने कहा हे hey, तू यहां कैसे बोले यही तो हमारा परिवार है बोले नहीं यार तू वो चीज है कि एक दाड़ मारेगा तो ना गड़रिया रुकेगा ना भेड़ रुकेगी बोकार नहीं नहीं हम तो इसी के बोले आ सरोवर के समीप गया बोले देख मेरे जैसा तेरा रूप है बोले हाँ भेड़ जैसा तो नहीं ना मेरे जैसा रूप बोले हाँ बोले देख मैं दहाड़ रहा हूं अब तू दहाड़ हमारी स्वर से जो दहाड़ा ऐसे वो दहाड़े तो का समझ रहा है तू ये डंडे खा रहा है गड़रिया के भेड़ों के बीच में रह रहा है अरे तेरा हार भेड़ है तू देख सिंह है ऐसे ही काम क्रोध लोभ मुंह मद मतसरिये हमको गड़रिये की तरह पीट रहे और भोग में हम भेड़ बने हुए लगे हुए कोई साधु महात्मा के दहाड़ा भगवान का तू अंश भगवत स्वरूप उठ खड़ा हो देख तुझे कोई परास्त नहीं कर सकता तो तुमको भी यार बात तो सही है मैं भगवान का अंश फंसा था तभी एकदम जागृति होती है नहीं तो हम लोग कैसे फंसे हैं हम बड़े दीन हीन मलिन छोटे छोटे विषयों के कीड़े हम बने हुए हैं हम नहीं निकल सकते हम तुम्हारे बिना नहीं जिस है अपने स्वरूप में आ अभी सावधान हो जाओगे तो सब तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे सब तुम्हारे गुलाम अभी तुमको सब गुलाम बनाए हुए थे अब तू ही कर जा कवो कछ तुम सब साथ बहुत ये आनंद का मार्ग सच्ची मानिए हाँ चाह मिटी चिंता मिट्टी मनुआ बेपरवा जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह परमात्मा आनंद देखो इसमें छल कपट द्वंद रुपया पैसा ताकत कोई प्रयोग नहीं है कोई प्रयोग नहीं ये केवल कनेक्शन है कनेक्शन इधर से हटा के परमात्मा की तरफ लगा दो हाई पावर हाई वोल्टेज हाई पावर जिस पावर से पावरवान होकर के फिर कोई परास्त नहीं कर सकता अभी कनेक्शन हमारा प्रभु से हटकर के माया में हो गया है काम क्रोध लोभ मोह जो आता है थपड़िया के चला देता है जेल भरी है पूरी जेल भरी मनोरंजन के कारण ही तो जेल भरी मन ने कहा ऐसा करना है वैसा कर दिया तो पूरी जेल भरी इसी में भरी मन को कंट्रोल कर लेते तो काहे को दुर्दशा होती आज पूरा जीवन बर्बाद हो गया ना परिवार के रहे ना मनोरंजन कर पाए थोड़ी सी गलती थोड़ा सा काम क्रोध लोभ का अपना प्रभाव जेल में पहुंचा दिया इसलिए हमें लगता है कि हमको मनुष्य जीवन मिला है और भगवान के अंश हैं हमको इन भेड़ों से नहीं डरना है काम क्रोध लोभ मोहम्मद मत्सर थोड़ा जागृति करो आपको मनुष्य शरीर दुर्लभ देह मिली है आप भगवान के बच्चे हो आप भगवान के जो चाहो कर सकते हो जो चाहो कर सकते हो जो चाहो कर सकते हो तुम में अपार शाम मृत्यु का भय खत्म हो जाए ना तो कुछ नहीं है कहीं कुछ नहीं है केवल भेड़िए की तरह डरवा रहे हैं हमको काम क्रोध लो मो मद सर हम भगवान के अंश नाम जप करके और बड़ी मस्ती से निकल जाओगे बड़ी मस्ती से निकल देखो कैसी दुर्दशा है दूसरों का मांस खा रहे हैं पराई बहन बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि जानवरों की तरह, तरह बर्ताव कर मतलब देखो ना कितना गिरा दिया इन नीच काम क्रोध ने जैसे अपनी बहन है ऐसे दूसरे की बहन है वो छोटी बच्चियों को उठा ले गए बलात्कार किया मार डाला ऐसे आचरण के तेल डाल के आग लगा दी तुम सोचो तुमने एक दिया सलाई लगा के अपने देखो यहां तुमने पूरा शरीर उसका रौंदा इसके बाद जला दिया कैसा तुम्हारे अंदर राक्षस ऊपर सवार होकर बाद तुम... पछतावा भी करते हैं हमें क्या, क्या करते हैं रोते महाराज जेलों में देखा पुलिस वाले आ। रोते बड़े बड़े लोगों को रोते देखा महाराज तो एक बार गलती हो गया आप क्षमा तो हो ही नहीं सकता हाँ बिल्कुल बिल्कुल बात सही है आ, आ, फिर नहीं दे सकते। भी। कानून में फंस गए तो फंस गए बिल्कुल, बिल्कुल, जिंदगी भर सड़ो जेल में जवानी पूरी कर लिए बिल्कुल चौदह पंद्रह साल के बच्चे हैं माँ बाप ने बड़े बड़े मोबाइल लेके दे फिर देखते हैं गंदी बातें फिर वो गंदा प्रेर वही जो आजकल नशे चले हुए टीके लगाते हैं बच्चे इतने बुरे पंजाब में चले जाओ हमारे जम्मू कश्मीर में चले जाओ अभी थोड़ा प्रभाव पड़ा हुआ लेकिन तो वो नई पीढ़ी है ना बिलकुल ही चोरिया कर रहे हैं वैसे हम हर हर एकांतिक में घुमा फिरा के हम ये चर्चा कर ही देते हैं कि हमारी बात लाखों तक पहुंचती है तो हमारे भाई जन सुने अपने बच्चों को संभाले नौजवान वैसे काफी परिवर्तन भी हो रहा है आ, काफी परिवर्तन हो रहा है नौजवान भाई लोग आपके वर्तन आपकी वजह से बहुत हो रहा है हमारा बेटा जर्मनी में है वो आपकी सुन के ही वो वहाँ पे रह पा रहा है बोल रहा है की मैं महाराज जी की ही सुनता हूँ और उन्ही की सारी स्मरण करता हूँ नहीं श्री जी से बस यही प्रार्थना किए कि जब तक जीवन है तब तक ऐसा कुछ होता रहे कि हमारे जो विश्व के जन हैं वो तो थोड़ा सतमार्ग को समझें बुरे आचरणों से बचें देखो छोटी सी अगर गलती हो गई और वो ओपन हो गई और कानून के सिकंजे में फंस गया तो जीवन बर्बाद हो जाता है आप कह रहे हैं उनको रोते हुए देखा तो देखा एक बार गलती गलती हो हो गई गई का क्या है वो तो बिल्कुल रजिस्टर्ड है तो भोगला पड़ेगा आपकी जो छोटी छोटी रील्स है ना तो जो साधक जन है उसको कटिंग करके इंस्टाग्राम फेसबुक या यूट्यूब आदि पे डालते हैं तो उससे महाराज जी आज क्योंकि हम बाहर लोगों से मिलते हैं काफी नई पीढ़ियां आती जो बच्चे आते हैं उनमें परिवर्तन है महाराज जी और जब उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हमारा मतलब एक फ्रेंड जो सर्कल है उसमें भी काफी परिवर्तन हाँ, नहीं बहुत भगवान आ, सब पर कृपा करें सबका दे दे टेक्निकली समझना चाहते हैं परमार्थ को अध्यात्म को तो जो आप आप एक सरल ढंग से आप बताते हैं कि नाम जब करो कर्मों का भोग भोगना पड़ेगा तो मतलब नशे ना करो क्यों ना करो उसके लिए भी आप तथ्य देते हैं महाराज जी तो बहुत सहजता से समझ पाते हैं महाराज जी हम सब एक सूर्य की किरण जो सूर्य की तरह आपकी वाणी जो है ना बस ठाकुर जी श्री जी और आप सबका आशीर्वाद आप सबकी सद्भावनाएं जो है ना अगर आप हमारी बात ना मानो तो हमारी बात का क्या मान तो आप बताओ ना तो धन्यवाद है कि आप लोग बात सुन रहे हैं बात मान रहे हैं और आगे बढ़े भगवान सब पर कृपा करें सबका मानसिक छोटा था महाराज जैसे आप बोलते हैं नशा वगैरह छोड़ो जैसे वो तुम आपको बुलाया था जी महाराज अपने यूट्यूब के चैनल के जरिए लोगों को बोले जैसे इस गर्मी रही जी सभी लोग दो दो चार चार पौधे लगाए जी पेड़ पौधे लगाए जी हो जी आप हाँ बिना पौधों के तो वर्षा होना प्रकृति जब वापसी आए थे ऐसे के ऐसे खेत खाली पड़ गए एक भी वृक्ष नहीं हाँ। और महाराज जी अब इतनी गर्मी किया ट्रांसफार्मर को भी कूलर लगाने की कूलर के साथ ठंडी हवा दे रहे ताकि वो बिजली का तो। हाँ बिल्कुल जी, बहुत सारी ऐसी शिकायतें आ रही है आग लग रही है एसियों में आग लग रही है ट्रांसफार्मर्स में आग लग रही है इतनी हम सत्संग में कई बार बोले हैं कि हमारे जो ब्रज चौरासी को उसकी लताएं हैं उनकी रक्षा करो सौ जगह लो तो एक वृक्ष तो लगाई लो अगर आप सौ गज जगह खरीदो तो एक लता लगा लो तो आप अगर बोलोगे हाँ नहीं हम बोल रहे हैं आपकी प्रेरणा से बोल रहे हैं और पहले भी हम ये कह चुके हैं और आज फिर हम ये कह रहे हैं कि वास्तविक हमारा प्रकृति से बहुत बड़ा संयोग है अगर ये वृक्ष ना रहे तो वर्षा पर प्रभाव पड़ेगा दो तीन साल में महाराज जी आगे तबाही हो जाएगी हाँ बिल्कुल दिल्ली में लॉकडाउन लग के महाराज जी हाँ गर्मी की वजह से हाँ लग बिल्कुल ठीक बात है तो अब जिनको जिनको अब ऐसे इसलिए हमें बड़ा सब कुछ लग रहा है कि आज इतना आधुनिक समय हो चुका है कि अब जगह खरीद रहे हैं एक लाख रुपया गज समझो अब वो सौ गज जगह खरीदे अब उस सौ गज में एक पीपल कैसे लगा देंगे बरगद कैसे लगा देंगे इतना महंगा जमीन खरीद तो हमें लगता है जिनके पास सुविधाएं हों और जिनको भगवान ने ऐसी व्यवस्था दी वो जरूर वृक्षारोपण करें लताएं लगाएं जिससे उनके और इसमें और भी लाभ है जैसे आप लता लगा दिए तो जो पुत्र आपको सदगति प्रदान करेगा सच्चा वही लता भी आपको सदगति प्रदान कर देगी वो भी आपके संतान के समान ही होगी क्योंकि आप उसका पालन पोषण करेंगे वो आपके पितरों का भी उद्धार कर देगी जैसे पीपल है बरगद है ऐसे वृक्ष लगाए जो ऑक्सीजन देने वाले और पूज्य वृक्ष है और समाज को बहुत ही लाभ प्राप्त होता है इससे प्रकृति का बहुत बड़ा हमारा शरीर से हिस्सा है जैसे हम गंदी वायु छोड़ते हैं तो ये वृक्ष हमें शुद्ध वायु देते हैं ऑक्सीजन देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं अधिक से अधिक ऑक्सीजन देते हैं और वर्षा में सहयोग होते हैं और देखो कितना भी धूप से जाओ एक सीतलता दिन बड़े बड़े आम वाले तो सूखे गए और जो नीम आदि के लोग कटवा दिए पैसे के लोग से बहुत महाराज जी ये वृक्ष बड़े बड़े भी होते हैं कोई टैक्स भी नहीं लेते हाँ बिलकुल सब कुछ फिर बिल्कुल राहुल जी सिरसा हरियाणा से श्री श्री हरिवंश महाराज जी मैं पिछले डेढ़ वर्ष से यूट्यूब के माध्यम से आपको सुन रहा हूं। जिससे मेरा सारा डिप्रेशन एंजाइटी दूर हो गई है महाराज जी मैं मर्चेंट नेवी में जॉब करता हूँ अट्ठाईस कंट्री घूम चुका हूँ पर जो आनंद यहाँ है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिला महाराज जी मैंने दारू चिकन सब छोड़ दिया महाराज जी क्या दुख दुख में पूर्ण शरणागति होती है ये हमारे पुण्य कर्मों के कारण शरणागति होती है दोनों भी सम्मिलित होते इसमें दोनों बातें कही गई हैं कभी कभी पुण्य का प्रकाश होता है और किसी संत का संग मिल जाता है पुण्य पुंज बिन मिले हैं न संता बिना पुण्य समूह एकत्रित हुए संतों का समागम नहीं होता और कभी कभी ऐसी परिस्थिति होती चारों तरफ से जब निराशा होती है। तो भगवान अपनी तरफ से कृपा कर देते हैं और फिर आशा की करण खुल जाती है किसी संत महात्मा के वचनों के द्वारा हमें भगवान के चरणारविंद का रास्ता मिल जाता है तो इसमें दोनों परिस्थिति पाई गई कभी कभी अच्छा दुख से क्या होता पाप नष्ट होते हैं भारी दुख परिस्थिति से पाप नष्ट हुए और हृदय में एक ज्योति जगी किसी संत महात्मा के वचनों का आश्रय मिला और हम निकल गए नाना प्रकार के पापाचरणों का त्याग करके तो पुण्य तो होते ही हैं बिना पुण्य से बिना सुकृत से उसे साधु समागम नहीं प्राप्त हो सकता चाहे घोर पापी हो उसके जीवन में कहीं ना कहीं पुण्य तो रहा पुण्य बिन मिले ही न संता और एक होता बिना किसी पुण्य के भगवान की कृपा हो जाना अब मुय भा भरोस हनुमंता और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता भगवान अपनी तरफ से कृपा कर देते घोर पापाचारी पर भी क्योंकि है तो उन्हीं की संतान तो वो फिर रास्ता निकल आता है तो दोनों बातें लागू हो जाती हैं कि पाप के आचरण के परिणाम स्वरूप दुख को भोगते भोगते भगवान की कृपा को रुई और कोई महात्मा मिल गया सारे दुखों का नाश करने का उपाय मिल गया कभी कभी पुर्णियों के प्रताप से किसी महात्मा का सानिध्य मिला और हमारा मंगल हो गया तो बिना महात्मा के संग के इस संसार रूपी दलदल से तो निकला नहीं जा सकता जैसे दलदल में खुद निकलने की चेष्टा करे तो फंसता चला जाता है तो निकला हुआ कोई भगवत प्राप्त महात्मा हमारे पाप और पुण्य दोनों दलदल हैं दोनों शुभ और अशुभ दोनों बंधन हैं जैसे सोने की जंजीर से बांध दो खंभे में या लोहे की जंजीर से बांध दो बंधन तो है ही ना तो सोने की जंजीर है पुण्य और लोहे की जंजीर है पाप लेकिन बंधा तो है ही ना महात्मा का संग दोनों से मुक्त करता है भगवत भजन ये पुण्य नहीं है ये शाश्वत अविनाशी भगवान की प्राप्ति कराने वाला है ये नष्ट नहीं होता पुण्य नष्ट हो जाते हैं पाप नष्ट हो जाते हैं भजन कभी नष्ट नहीं होता ये संतों के संग से प्राप्त होता है आप समझ पा रहे हैं अब तो हम आपकी गोद में बैठ गए बाबा जी अब आप ही रोड पर कर नहीं हम तो श्री जी के चरणों तक पहुंचाते हैं हमारा काम जो है वो पोस्टमैन का काम है आपकी बात श्री जी तक श्री जी की बात आप तक और हाथ जोड़े खड़े रहते हैं देखते हैं मालिक क्या करते हैं हमारी सामर्थ्य श्री जी हैं हमारी सामर्थ्य प्रिया जो हैं प्रभु हैं उन्हीं के चरणों तक बात पहुंचाते हैं तो जैसे हमको किसी ने कुछ अर्पित किया तो हम उन्हीं को तो भोग लगाते हैं ऐसे आप बोले कि मैं आपके शरण में तो हम सीधे उनके पास कि आप देखो आपका कार्य जो मेरा भी कल्याण कर रहे हैं वही आपका कल्याण करेंगे जो मुझे अपने शरण में लिए वही आपको अपने ये जो परिवर्तन हो रहा है ना ये उनसे हो रहा है मेरे से नहीं हो रहा मैं उनकी बात बता रहा हूँ उनकी सामर्थ्य बता रहा हूँ उनका नाम बता रहा हूँ आप उनकी बात सुन रहे हैं उनका नाम जब करें आपका परिवर्तन हो रहा है नाम उनके दास का होता है हरे बोले बाबा प्रेमानंद लेकिन काम स्वामी कर रहे हैं जने बढ़ाई दे करें करावे आप सब और जने बढ़ाई दे ये तो बस समझो सही माने में लाडली जी की कृपा से सवोरा प्रिया जी की कृपा से ललित कुमार जी चंडीगढ़ से राधा मतलब श्री हरिवंश राधे राधे महाराज जी महाराज जी मृत्यु का डर हमेशा नहीं रहता कभी ऐसा लगता है कि बहुत समय है भगवान को पाने के लिए पर कभी ऐसा परिस्थिति आती है कि ऐसा लगता है कि बिल्कुल समय नहीं रहे बिल्कुल समय नहीं बच्चा बिल्कुल समय नहीं ये केवल बुद्धि में डाल रही है कि हमारे पास बहुत समय है कितनी अवस्था हो गई शरीर की तीस।, तीस, तीस साल अभी कल के, कल लगता है कल तीस वर्ष व्यतीत हो गए अब पता नहीं बच्चा तीस मिनट भी है कि नहीं अपने को पता नहीं ना चले कोई घटना गट घटी एकदम शरीर ऐसे कई दृश्य देखने को मिले ऐसे बैठे पेपर पढ़ रहे हैं पीछे से मकान मर गए रोड के किनारे कुर्सियों में बैठे और पूरा ट्रक चल गया मर पता ही नहीं कब मृत्यु आ जाए कार में आनंद से गाना सुनते हुए जा रहे हैं आग लग गई अंदर जलकर भस्म हो गए नए नए जवान जवान बच्चे मर गए अब इसका कैसे कहा जा सके गर्भ में भी मृत्यु हो जाती है गर्भ से बाहर शिशु अवस्था में हो जाती यौवन अवस्था में हो जाती वृद्धावस्था में हो जाती अब यहाँ आकर के अगर खाली हाथ गए तो बहुत ही गड़बड़ रहेगा इसलिए हर समय नाम जप करो राधा 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 अगर हम राधा बोल रहे हैं हमारा शरीर छूटा तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी हम दुखों से बच जाएंगे हम दंड से बच जाएंगे बहुत से ऐसे गंदे कर्म हो जाते हैं जिनका परिणाम हमको भोगना ही पड़ता है इसी जन्म में देखो क्या गंदे कर्म आपसे नहीं हुए जब अपने लोग खुद न्याय करें अपना तो सर नीचा हो जाएगा कि हमसे गलतियां हुई हैं जो नहीं होना चाहिए बहुत गलतियां हुई हैं अब उन गलतियों का प्रायश्चित करने का समय है फटाफट प्रायश्चित कर लें नाम जप दूसरों की सेवा माता पिता की सेवा परिवार की सेवा नाम जप करते हुए करें सब पाप नष्ट हो जाएंगे और भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी और मृत्यु बड़ा भयावह है आखिरी शब्द चाहे जितनी बातें बनाओ मृत्यु शब्द से भया आ जाता है जैसे शरीर के किसी अंग की हानि की रिपोर्ट आ जाए कि आपका किडनी फेल आपका दिल खराब हो रहा है आपके यहाँ जो फेफड़े हैं वो खराब कुछ भी होश खराब हो जाएंगे क्योंकि मृत्यु की सूचना देने वाले होते हैं ना कि अब दिल खराब इसका तब कभी फेल हो सकता है कभी कभी स्वस्थ पुरुष एक मिनट में मर जाते नहीं मर जाते नाचते नाचते मर जाते तो मृत्यु तो कभी भी आ सकती है इसलिए सावधान रहना चाहिए और यहाँ कोई तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला अभी शरीर छूटने का नंबर आ जाए तो कौन साथ जाएगा बताओ आप ही तो अकेले होंगे ना यात्रा में तो कोई नहीं होगा ना उस समय यहाँ का बैंक बैलेंस भी नहीं जाएगा आपने जो पाप कर्म किए या पुण्य कर्म किए वो भोगने के लिए आपको वो तो अगर नाम जप कर लिया तो दोनों से बच जाओगे पाप और पुण्य दोनों से बच भगवान को प्राप्त हो जाओगे भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी इसलिए मरने का भय अच्छा है जो हमको पाप से बचाता है मरने का भय बहुत अच्छा होता है वो आदमी को बहुत ऊंचाई पर चढ़ा देता है एक बार निश्चय कर लो कि बस इस जन्म में मुझे पाप कर्म नहीं करना भजन करके भगवान को प्राप्त होना है और पता नहीं कब शरीर छूट जाए इसलिए अभी से राधा राधा जपना है बढ़िया महात्मा हो जाओगे घर गृहस्थी में रहते हुए पैंट शर्ट में महात्मा हो जाओ महान आत्मा पर अपने लोग ऐसी सोच विचार निरंतर नहीं रख पाते इसलिए गड़बड़ हो जाता है समझ पा रहे हैं आप निरंतर नहीं रहती सोच हाँ निरंतर इसलिए नहीं रहता कि शरीर स्वस्थ है मन भोगों में लगा है इसलिए अभी कोई ऐसी रिपोर्ट आ जाए फिर देखो कैसा मन लग जाएगा <laughs> रिपोर्ट आ जाए तो अभी मन लगने लगेगा कि यार पता नहीं क्या हो जाए अब जैसे अपने लोग हैं ना तो हर समय बिल्कुल ये अलर्ट मोड पे रहते हैं न रात में चैन न दिन में चैन रात में उठ के बैठ जाओ नाम जप करो मंत्र जप करो पता नहीं कब बुलावा आ जाए कमा लो कमाने आए हो जैसे विदेश से अपने देश लौटना हो तो यही नहीं होगा कि यार ज्यादा फंसाओ नहीं फंसाना नगद तैयार करो जितना नगद तैयार करो यहाँ जमीन मकान खरीद के करोगे क्या यहाँ से तो जाना है तो नगद तैयार करो तो नगद क्या है राधा 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 राधा, राधा। और सब यही रह जाएगा बैंक बैलेंस मित्र पुत्र परिवार सब यही रह जाएगा जाएगा तो केवल राधा 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 ये तुम्हारे साथ जाएगा अब वो भगवान से प्रार्थना करो कि आपकी बुद्धि शुद्ध कर दें भजन में मन लगने लगे फिर मृत्यु का भय खत्म हो जाता है जब भजन होता है तो फिर मृत्यु एक खिलौना लगती है जैसे अपने लोगों कहते हैं कि अब जाना है प्रिया प्रीतम के पास जाना जिनका हम जीवन भर भजन करते रहे जिनके लिए तड़पते रहे हमको उनके पास जाना शरीर छोड़ा अपने प्रभु के पास गए तो मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद कब मरी कब भेटी हो, पूरन परमानंद कब शरीर छूटे हो मैं अपने प्रभु से मिल जाऊं ये आनंद का तो मृत्यु भयावा नहीं रह जाती पर इतना भजन हो जाए कि प्रभु प्यारे लगने लगें अभी संसार सब अच्छा लगता प्रभु पराये से लगते हैं नहीं लगते है। भगवान कोई होंगे ऐसा लगता है और ये सब लगता है सत्य है और जबकि ये सत्य नहीं वही सत्य है यही माया भ्रम पैदा किए नाम जप करो भगवान का गुण लीला गाओ उनकी लीला गुण सुनो इससे बुद्धि शुद्ध हो जाती है जी अशोक निम्बोला जी राधे राधे महाराज राधे राधे महाराज जी महाराज जी यूट्यूब के से लगभग छह महीने से आपका सत्संग और एकांतिक वार्तालाप सुन रहा हूं महाराज जी आप कहते हैं श्वासों श्वासों में राधा नाम का जाप होना चाहिए किंतु हम संसारी व्यक्ति को निरंतर नाम जपना थोड़ा कठिन होता है दिन व रात में चौबीस घंटे में इक्कीस हजार छह सौ श्वास होते हैं तो क्या हम इक्कीस हजार छह सौ जाप कर लेते हैं तो और दो सौ माला इसमें हो जाता है तो श्वासों में नाम जप गिना जाएगा मतलब एक साथ इक्कीस हजार छह सौ कर लें हमारा जो कहने का तात्पर्य वो संख्या से नहीं है बढ़िया है आप गणित लगा के संख्या से कर रहे हो मान लो आप जिस समय प्राण निकलने का समय है और संख्या आपकी पूरी हो गई पहले उस समय आपका चिंतन किसी विषय का चल रहा है स्त्री पुरुष मकान धन कोई वस्तु व्यक्ति स्थान का तो आपकी सदगति में बाधा हो जाएगी ना अंता मती और हर श्वास में हम राधा जप रहे हैं आप कह रहे हो कि गृहस्थी में नहीं जपा जा सकता हमें लगता है गलत बात है तुमसे ज़्यादा हमारी सेवा है गृहस्थी चैन से नौ से लेकर के चार पाँच बजे तक तो सोता होगा यहाँ आठ नौ बजे सैन करते हैं साढ़े बारह बजे जग जाते हैं और दिन में नींद है नहीं और रात दिन अपना कार्य चालू किए हुए हैं कितना गृहस्थी में चार लोग होते होंगे यहाँ चालीस पचास हजार तो सुबह खड़े होते हैं रोड में केवल और सबसे आंख मिलाना है इतने दृश्य देखने के बाद एक भी फोटो किसी की नहीं होनी चाहिए कैमरा खुला है लेकिन अंदर से वहां पर सबसे देख रहे हैं सबसे मिल रहे हैं सब जरूरत पड़ी तो बात भी कर रहे हैं लेकिन नहीं किसी से नहीं अपने इष्ट के चिंतन में आप लोगों से मिल रहे हैं अभी चल ही रहा है वो सत्संग सब करके फिर भी चल रहा है तो आपका गृहस्थी में इतना काम तो है नहीं क्योंकि शरीर प्रधान कार्य गृहस्थी में होता है गृहस्थी में शरीर प्रधान आप ऑफिस भी जाओगे तो बराबर चार घंटे प्रवचन नहीं देने हैं दस मिनट बाद की कि चुप हो गए तो उस समय चल रहा है राधा 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 और जब आप ऐसे चलाओगे तो हम जैसे तुमसे बात कर रहे हैं तुम्हारे दिमाग में भी वही बसा हुआ है राधा 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 तो हम जप नहीं रहे लेकिन चल रहा है जैसे धड़कन चल रही जैसे श्वासें चल रही ऐसे नाम चल रहा है पर इसका अभ्यास किया जाता है अगर हम ये मान लेंगे कि हम गृहस्थ हैं हम ऐसा अभ्यास नहीं कर सकते तो कभी नहीं होगा यह मान लेंगे कि हम भगवान के अंश हैं हम सब कुछ कर सकते हैं जो एक संत कर रहे हैं वही हम गृहस्थी में के कर सकते हैं क्या नहीं होता संत में क्या संतों का भोजन नहीं बनता संत कपड़ा नहीं पहनते क्या संत मकान में नहीं रहते अंतर यह है कि वो किसी से संबंध नहीं रखते और गृहस्थी में संबंध रखा जाता है भाव में अंतर तो क्या अंतर से तुम वैसे गृहस्थी में नहीं रह सकते भाई अगर तुम्हारे घर में रहते होते तो चार पांच छह लोग होंगे दस लोग चार लोग हैं चार सौ लोग हैं सैकड़ों बच्चे सैकड़ों संत बच्चे सब पूरे और सबके दिमाग पर हमारा शासन है धर्म विरुद्ध एक भी बच्चा आचरण नहीं कर सकता वो पूरे परिवार को जैसे संभाल के चला जाता ना अच्छा ये तो हुई हमारे घर में रहने वाले यहां वृंदावन में जो हमारे पास दसियों हजार लोग बाहर रह रहे हैं आप लोग भी हो अगर आप वास्तविक भाव से अगर मानोगे कि संत गुरु या कुछ तो आप गलत करने की सोचोगे तो तुम्हारे दिमाग में प्रेमानंद छाया हुआ मिलेगा और डर लग जाएगा कि यार नहीं अगर दोबारा सामने गए तो फिर हमें डांट लग जाएगी अब गलती नहीं करूँगा ये तो क्या ये बल आप नहीं जागृत कर सकते आप भी भगवान के हो आपको भी नाम जपने का अवसर मिला है पर आप अपने को छूट दे देते कि मैं गृहस्थ हूं तो गृहस्थ में कोई लाइसेंस इस बात का थोड़ी दिया गया शास्त्र में कि आप मनमानी भोग भोगो आप जैसा चाहो वैसा करो नहीं चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त दोनों को भगवत प्राप्ति करने के लिए मानव देह मिली है दोनों का ढंग अलग अलग है आपको काम सताया तो धर्मपूर्वक अपनी पत्नी से आपको मोह सताया तो धर्म पूर्वक अपने पुत्र से लोभ सताया तो धर्म पूर्वक धन कमा करके इस तरह से विकारों को हम कब्जे में लेते हैं धर्म की सीमा में और आगे चलकर निर्विकार हो जाते हैं और वैरागी को वो पहले से ही पहले से प्रथम से ही त्याग शब्द से क्योंकि त्यागी वैरागी है ना वो त्याग से सर्वस्व त्याग करता हुआ उस ऊंचाई पे पहुंच जाता है उसी ऊंचाई पर आपको पहुंचना है पर आंतरिक राग का त्याग करना अगर आप अपने को गृहस्थ मान लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा गृहस्थ पहले आप मानो भगवान के आप अंश हैं आप गृहस्थ धर्म का पालन का। आप गृहस्थ नहीं आप गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं आप भगवान के अंश हैं आप गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं तो आप जीत जाओगे और आपने अपने को गृहस्थ मान लिया तो छूट दे दोगे कि ये तो सब काम बाबा जियों का है कि आप निरंतर भजन करो हम तो गृहस्थ हैं एक जो आप एक गणना करके जप कर रहे हो ये बड़ी श्रेष्ठ बात है पर चूक की बात यह है कि गणना पूरी होने के बाद जब हमारा जो श्वास खाली जा रही और उस समय हमारी मृत्यु हो गई तो हमें अगला जन्म लेना पड़ेगा जैसे हिरण का चिंतन हुआ तो अगला जन्म हिरन का हुआ तो अंता शोगति मुझे चाहिए कि हर श्वास में अभ्यास करो हो जाएगा करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान तो राधा नाम का निशान पड़ जाएगा बुद्धि में राधा राधा अंदर से एक दिव्यता आ जाएगी फिर भजन करना नहीं पड़ता रोम रोम भजन करता है मतलब एक दिमाग हो जाता है राधा में दिमाग हो जाता है एक होता है वाचिक जप करना फिर उपांश जप करना फिर मानसिक जप करना फिर रोम रोम में वही मतलब वो छा जाता है बात करो उठते बैठते चलते फिरते खाते बात करते मौन हर स्थिति में वो भगवदाकार वृत्ति रहती अखंड भजन रहता अभ्यास करो अभ्यास में बहुत बड़ी सामर्थ्य बहुत बड़ी सामर्थ देखो जिनका अभ्यास नहीं तो आँख खोल के भी निशाना नहीं लगा सकते ऐसे अभ्यासी लोग कि आँख में पट्टी बांध दो और वो निशाना निशाने पे देखो हमें दिखाया कि एक आदमी को लिटा दिया आसपास तरबूज रखे और उसके नमक डाल के आंख में पट्टी बांध दी गई और बड़ा भारी वो घन दे दिया गया हथौड़ा जैसा वो ठीक उसी पर मार रहा है मतलब आंख की पल, पलके बंद है पट्टी बंद है जरा सा चूक जाए तो लेटे हुए बंदे के मतलब प्राण निकल जाए पर उसका ठीक घन जो है थोड़ा है वो उसी पे पड़ रहा है ये क्या अभ्यास मतलब आश्चर्य में बात अभ्यास है ना तो आश्चर्य में बात की संसारिक कार्य करते हुए बात व्यवहार करते हुए वो भगवान में अपने चित्त को रखे संभव है अभ्यास से सब संभव है अभ्यास हो जाए तो आंख में पट्टी बांध के गोली मार दे अभ्यास नहीं है अपने लोगों का तो जैसे अपने को बंदूक जी है तो लाठी वाला काम भले कर ले, लेकिन बंदूक नहीं चला पाएंगे क्योंकि कभी पकड़े नहीं कभी चलाया नहीं कभी अभ्यास नहीं किया ऐसे ही अपने लोगों ने मन का अभ्यास किया भजन का तो उसमें प्रवीणता हो गई अब मन का अभ्यास किया विषयों का तो भगवान में लगाना बड़ा कठिन है ना तो अभ्यास योग योग तेना चेतसा नान्यमिना हम ऐसा अभ्यास करें कि हमारा चित्त कहीं जाए ना बार बार प्रभु में लगा रहे तो राधा 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 ऐसा अभ्यास कीजिए हर श्वास में और एक श्वास में कई नाम जपे जा सकते हैं तभी तो आप एक वो श्वासों का गणना करके जप लेते हैं तो हम धीरे धीरे और धनी बने हम चलते फिरते उठते बैठते यह भय रखें कि कभी भी प्राण निकल सकते हैं प्राण निकलने की कोई तिथि तारीख हमारे पास है नहीं और जिस समय प्राण निकले और जो चिंतन किया वही हमें बनना पड़ेगा तो हम राधा राधा बोलते रहे तभी काम मन अंतिम श्वास में नारायण निकला अपने पुत्र के बहाने तो परम पद का अधिकारी हो गया तो हम इतना बड़ा घाटा ना सहें अब मनुष्यों ने हमारी व्यर्थ न जाए हम हर समय नाम जपने का अभ्यास करें पूर्णता तो भगवान की कृपा से होती है पर हम प्रयास हम करें प्रयास में पूरा हमारा बल लगा के तो कृपा भी भगवान की पूरी होगी और वह हमारा उद्धार कर देगी पक्का हम कायरता न करें तो भगवान की कृपा की कमी नहीं जासु कृपा नहीं कृपा आघाती जिसकी कृपा कृपा करते करते कभी आघाती नहीं ऐसी भगवान की कृपा है